हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस शेयर मार्केट पे हम लोग अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एलडी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका अगर आप लोग अभी मार्केटिंग का हाल देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट में देखने को मिली है। अगर हम लोग 5 डेज़ का देखें तो भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग 1 मंथ का देखें, 1 मंथ पर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। जहाँ पर टोटल ओवरली बात करें तो अभी हम लोग 1 मंथ पर जो है -8.06% का हम लोगों को गिरावट देखने को टोटल मिल चुकी है। वहीं पर हम लोग बात करें कितना ज़्यादा नुकसान पे चल रहा है, 62 रुपीज़ हम लोग को यहाँ पर नुकसान पे चल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 6 मंथ पे, तो 6 मंथ पे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, बट जैसे कि मैंने बताया कि 1 मंथ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इस क्वान्टिटी पर आप लोग देख पाओगे कितना ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। तो हालांकि हम लोग को 6 मंथ पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो 6 मंथ पे भी हम लोग को उतना ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है जितना मिलना चाहिए। अगर हम लोग देखें यहाँ पर मैक्स पे क्लिक करके कि इतना जब से IPO चालू हुआ है तब से हम लोग को यहाँ पर इंक्रीज पॉइंट देखने को मिली है या फिर नहीं। ऑफकोर्स गाइस, इस कंपनी पर अगर हम लोग देखें तो जब से IPO चालू हुआ तब से हम लोग को अच्छा खासा इंक्रीज पॉइंट देखने को मिली है। जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि अप्रॉक्स 2013 से हम लोग को अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली थी, बीच पॉइंट पर फिर से डाउन पर गया था, बट फिर भी आप लोग देखेंगे तो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ पे गया है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2017 पे हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें अभी की टाइम की, तो अभी के टाइम पे हम लोग को सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे देखने को मिली है, जो कि अच्छा खासा टॉप पे अभी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को अभी डी ग्रोथ पॉइंट पे देखने को मिल रही है। तो टोटली बात करें तो इसके पोटेंशियल की तो बहुत ही अच्छा है, इसका इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा है, बायर भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अभी के टाइम पे प्रॉफिट पे जो है यहाँ पर देखेंगे तो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा टॉप किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर यू नो प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट हम लोग को यहाँ पर डाउन पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग सेल कर देंगे, ऐसे मार्केट जो है यहाँ पर ग्राफ पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा होता है, लेकिन 20% के इसका अराउंड पे होता है, और जो होता है इसका जो अदानी का जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर जो मार्केट पर उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर मैं टोटली बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे अभी के टाइम पर जो है हम लोग को यहाँ पर इस लेवल पे, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ इस लेवल पे गाइस, इस लेवल पे आप लोग देख पाओगे कि इस लेवल पे हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अदर्स कंपनी पे इतना ज़्यादा आप लोग को हाई जंप देखने को नहीं मिलेगा, मतलब है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, इस कंपनी पे इतना स्ट्रेटली गया था, यहाँ पर देख पाओगे इतना स्ट्रेटली गया था, लेकिन हम लोग को ग्रोथ कितना तेज़ी से देखने को मिली है इस पॉइंट पे देख पाओगे गाइस। इस पॉइंट पे मतलब इसका एक एक स्टॉक की अभी के दाम पे देखेंगे तो 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 पे जैसे कि आप लोग को पता है कि तब के टाइम पे अप्रॉक्स वहाँ पर 1 साल तक तो हम लोग को लॉकडाउन ही देखने को मिला था, पूरा पूरी लॉकडाउन था, तो वहाँ पर हम लोग को मार्केट उतना ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर 2020 30 अक्टूबर को हम लोग को हाई जंप देखने को मिली है, जहाँ पर हम लोग को कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, जो कि इसको तब के समय पे जो लोग इसको बाय किए होंगे 2020 अक्टूबर को, जो कि ज़्यादा दिन नहीं है, अप्रॉक्स 7 मंथ होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसका प्राइस था अप्रॉक्स 393 रुपये, जो कि अगर आप लोग देखेंगे अभी के टाइम पे मतलब 1 मिनट पे यहाँ पर देख पाओगे अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद, तो यहाँ पर देख पाओगे अक्टूबर के बाद यहाँ पर हम लोग को हाई जंप, एकदम हाई जंप देखने को मिला है, जहाँ पर आप लोग देख पाओगे 2021 9 अप्रैल को हम लोग को पूरा का पूरा 823 रुपये, मतलब सोच सकते हैं गाइस 300 का डबल, मतलब डबल से भी, जो लोग यहाँ पर जितना उनका इन्वेस्टमेंट होगा उससे डबल से भी ज़्यादा उन लोगों का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाओगे 823 रुपये हाई जंप पे गया था, जो कि मैं अभी जो वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अभी मार्केट ओपन तक मैं बता रहा हूँ, मार्केट ओपन है, और जहाँ पर हम लोग को यहाँ पर देख पाओगे कि अभी देखेंगे तो यहाँ पर करंट जो वैल्यू चल रहा है वो चल रहा है 707 रुपये। ठीक है, तो हम लोग बता दूँगा इस यहाँ पर देख पाओगे कि काफ़ी हद तक यहाँ पर हाई जंप किया है, इस वजह से हम लोग को अभी के टाइम पे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा हम लोग को अप डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर देख पाओगे कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, जो कि 0.49% का, ठीक है, 0.46% का, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जब मार्केट क्लोज़ हो जाएगा तब हमको पता चलेगा कि ये इंक्रीज पॉइंट पे ग्रोथ पे हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ है या फिर डाउन पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो
थोड़ा सा हम लोग को डाउन पे अभी देखने को मिल सकता है, लेकिन यही आपके पास काफ़ी लोग यहीं पर जो है, काफ़ी लोग यहाँ पर यहीं पर जो है एंट्री ले रहे हैं, काफ़ी लोग यहीं पर इस स्टॉक को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग को लगता है कि अभी कल जाकर जो है अप्रॉक्स 1-2 वीक के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ पे जाएगा और हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा शॉर्ट टाइम के लिए। तो काफ़ी लोग यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए भी एंट्री ले रहे हैं, और काफ़ी जो लोग इस पर लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री लिए होंगे तो उन लोग का तो भी मतलब डबल से भी डबल मुनाफा हो रहा है जो लोग इसको 5 ईयर्स पहले बाय किए होंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं जो इसके शेयर होल्डर्स हैं 5 ईयर्स पहले का या फिर 1 साल पहले का, तो उसका हम लोग प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को आगे भी बात करूँगा, वीडियो को एक भी पॉइंट पर स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 1 ईयर का, ठीक है। तो 1 ईयर पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ज़्यादा दिन तक नहीं लूँगा तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पर देख पाओगे अप्रॉक्स मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर देख पाओगे कि इसका प्राइस चल रहा था 326 रुपये, ठीक है, 326 रुपये 2020 को, जो कि सितंबर को, ठीक है। तो सितंबर को जो लोग बाय किए होंगे तो अभी के टाइम पे कितना प्राइस चल रहा है इसका, हाई जंप यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर 874 रुपीज़ इसका हाई जंप किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कितना गया था, यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर देखेंगे तो 326 रुपये था, और यहाँ पर हम लोग हाई जंप देखने को मिला है जो कि 878 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों उंगली को एक साथ करके यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कितना था यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है। तो गैप कितना बीच का है, यहाँ पर देख पाओगे गैप है 25 सितंबर और यहाँ पर 9 जून को, और यहाँ पर हम लोग को इंक्रीज पॉइंट कितना प्लस पॉइंट के साथ यहाँ पर देख पाओगे, मतलब 526 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, हर एक शेयर पे 526 रुपये का हर एक शेयर पे प्रॉफिट, ठीक है। मतलब सोच सकते हैं कि गाइस कितना ज़्यादा प्रॉफिट, अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 शेयर खरीदेंगे तो 10 शेयर पे कितना प्राइस था, 300 कितना था, 343 ना 44 था, तो उसका आप लोग प्लस के साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस पॉइंट के साथ 526 रुपये प्रॉफिट पे चल रहा था, वो उसको आप लोग इक्वल टू करके देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को लाइव के साथ दिखाऊंगा और यहाँ पर देख पाओगे, इस तरीके से आप लोग ग्राफ एनालाइज भी कर पाओगे, दोनों उंगली को एक साथ लेके उसका मार्जिन टिन देख पाओगे कि एक दिन पे कितना ज़्यादा हम लोग को मार्जिन टिन देखने को मिला है। तो चलो हम लोग इसका देख लेते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि इसके शेयर होल्डर्स अभी भी जो लोग अभी सेल नहीं किए होंगे उन लोगों का कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो हम लोग पहले कर लेते हैं इसका, यहाँ पर देख लेंगे 324 रुपये और यहाँ पर कितना गया है 800, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 350 सोच लेंगे और यहाँ पर हम लोग 850 सोच लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे अब आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर कितना था 350, चलो हम लोग 350 कर लेते हैं, 350 इसका प्राइस, इस शेयर का प्राइस था, इंटू करके हम लोग कितना सारे शेयर खरीदेंगे, चलो हम लोग कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोगों का बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो 100 शेयर खरीदेंगे, 100 शेयर नहीं उतना ज़्यादा नहीं खरीद सकते, चलो हम लोग कर लेते हैं 80 शेयर, ठीक है। चलो हम लोग 80 शेयर खरीदते हैं, उसका हम लोग का कॉस्ट कितना पड़ेगा देख सकते हैं गाइस, हम लोग को इसका कॉस्ट पड़ेगा 28,000, मतलब हम लोग 350 के प्राइस पे स्टॉक खरीदे हैं, जो कि 80 स्टॉक खरीदे हैं, क्वान्टिटी हिसाब से डिलीवरी में लिए हैं, जो कि हम लोग का कॉस्ट पड़ा है कितना 28,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेल करेंगे आज के प्रॉफिट मार्जिन के, आज के प्रॉफिट दामों में, तो कितना है अभी हम लोग कर लेते हैं 850 रुपये, ठीक है, 850 कितना था 80 शेयर सेल करेंगे, तो हम लोग सेल करेंगे कितना हम लोग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब क्या ही बताऊं गाइस, यहाँ पर देख पाओगे कि प्रॉफिट कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है, 28,000 लगा के, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि हम लोग को 68,000 का इंस्टेंटली प्रॉफिट हो जाता है कुछ ही टाइम होल्ड करने से, मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ होल्ड करके यहाँ पर देख पाओगे इसका प्रॉफिट कितना हो गया है। तो चलो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, माइनस करेंगे, तो माइनस पे हम लोग सिंपल तरीके से क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग कितना करेंगे यहाँ पर कर लेंगे 28, हम लोग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो हम लोग 28,000 माइनस कर देंगे जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग 28,000 कर लेते हैं, 28,000 अब देखते हैं इक्वल टू करके देख सकते हैं गाइस 40,000 का प्रॉफिट, वो भी इंस्टेंटली 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, और प्रॉफिट कितना 40,000, मतलब 40,000 प्रॉफिट, जो कि मतलब कुछ ही टाइम होल्ड करके यहाँ पर 40,000 का
जो है प्रॉफिट, मतलब सोच सकते हैं गाइस अप्रॉक्स 28 का हम लोग का इन्वेस्टमेंट पड़ता है और यहाँ पर हम लोग को 40,000 का प्रॉफिट, मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम होल्ड करने से, इतना कम इन्वेस्ट करके और इतना ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि गाइस जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहा है उससे आप लोग डबल, मतलब उससे आप लोग ज़्यादा ही प्रॉफिट इधर कमाए हैं। मतलब कितना प्रॉफिट कमाए हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 28, मतलब आपका यहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर आपका मैं एनालाइज करूँ तो 12,000 और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा, 12,000 और भी प्लस पॉइंट के साथ आपको बोनस मिल जाता है। मतलब सोच सकते हैं कि 40,000 आपका टोटली प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, तो बहुत ही गजब है गाइस। इस कंपनी पे भी काफ़ी लोगों ने अपने आइडिया से अच्छा अच्छा रिटर्न्स पाया है, अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो यही कुछ वीडियो था, इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं और भी अपडेट के साथ ही साथ इस तरह का इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करता रहता हूँ। तो वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।